सो हे गाइस, तो वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं, फोन कहाँ गया। सो गाइस, तो मैं इस इमेज को ड्रॉ कर रहा हूँ एंड मैं ड्राइंग ग्रिड फॉर आर्टिस्ट ऐप यूज़ कर रहा हूँ ग्रिड मेकिंग के लिए। मैंने इसके पहले भी बताया था आपको, सो इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड ये एमएस धोनी वाली पिक्चर है, ठीक है। देन ये मुझे मिली है राहुल्स आर्ट, जो है वो आर्ट कॉम्पिटिशन कर रहे हैं। सो उनमें से उनकी मैंने इमेज ली है, मैं भी पार्टिसिपेट कर रहा हूँ इसलिए। सो आप भी पार्टिसिपेट कर सकते हो, ठीक है। सो ये इसी इमेज को हम ड्रॉ करेंगे एंड यहाँ पे मैंने ग्रिड भी बना लिया है, यहाँ पे 2 सेंटीमीटर पे, ठीक है। एंड मैं थोड़ा सा भी इसे ग्रिड को इरेज कर दूंगा कॉर्नर से, क्योंकि मैंने यहाँ पे आप देख सकते हो बॉर्डर्स भी बनाए हैं, ठीक है। बॉर्डर्स इसलिए बनाए ताकि इरेज हो जाए, ठीक है। सो इसलिए अभी करूँगा मैं। सो चलिए जल्दी से इरेज करता हूँ, देन फिर मैं यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा मास्किंग टेप, मैंने अभी नया ख़रीदा है, एंड फिर मैं आपको बताता हूँ। सो गाइस, तो मैं अभी कोई भी एक नॉर्मल इरेजर से मिटा रहा हूँ। सो गाइस, तो मैंने सब साइड से थोड़ा थोड़ा इरेज कर दिया, आप देख सकते हो, ठीक है। फोकस, ठीक है, नहीं हो रहा फोकस, क्या हो गया। हाँ, ये देख सकते हो आप, थोड़ा थोड़ा मैंने इरेज कर दिया, सब साइड से किया है, ठीक है। वो इसीलिए किया है ताकि हम मास्किंग टेप इजीली चिपका सके और जब निकाले तो वो निकले ना। एंड ये कोई ज़्यादा ही ज़्यादा सरफेस वाला पेपर नहीं है और ना ही कोई स्मूथ पेपर है, ठीक है। ये एक मीडियम टेक्सचर्ड पेपर है, इसलिए ये मास्किंग टेप हम इस पर जब लगाएंगे तो ये पूरा निकल जाएगा या फिर थोड़ा पेपर को डैमेज कर देगा। तो उसके लिए मैं यूज़ करूँगा ऐसा एक न्यूज़पेपर है, ठीक है, न्यूज़पेपर है, और उसको मैं थोड़ा सा रोल कर लिया हूँ, ठीक है। आप कोई भी पेपर यूज़ कर सकते हो, बस कोई पतला पेपर यूज़ करना, ठीक है। एंड मैं ऐसा मास्किंग टेप निकालूँगा ऐसा, एंड देन मैं उसको थोड़ा सा ऐसे, उसकी जो एडिसिव प्रॉपर्टी है उसे मैं थोड़ी कम करने की कोशिश करूँगा ताकि फिर वो ज़्यादा अच्छे से चिपके ना एंड मेरे पेपर को डैमेज ना कर दे, ठीक है। क्योंकि मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता, क्योंकि ये आर्ट कॉम्पिटिशन के लिए मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। सो मेरे को नहीं लगता कि मुझे रिस्क लेना चाहिए, ठीक है। सो इसलिए अभी मैं कुछ रिस्क ना लेते हुए मैं सीधा सीधा एक मिनट पेपर को मैं साइड कर देता हूँ, देन मैं इसे यहाँ से ऐसे निकालता हूँ, देन तो मैं सब पेपर सब पीसे सब क्या बोलते हैं जितने मैं टेप्स निकालूंगा उन सबको मैं ऐसे ही कर दूंगा एंड देन मैं उस पर स्टिक कर दूंगा, देन मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। सो अभी मैं कर रहा हूँ वीडियो को स्टॉप एंड अभी मैं चिपकाने के बाद वीडियो ऑन करूँगा, ठीक है। सो गाइस, तो आप कोई भी एक न्यूज़पेपर का पीस ले लीजिए, उसके ऊपर डैब 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 कीजिए। सो गाइस, तो मैंने आपको एक पीस रेडी करके दिखा दिया है एंड इससे मैंने किया ये है कि इसकी एडहेसिव प्रॉपर्टी जो है, जो इसकी चिपकने की क्षमता है, वो मैंने थोड़ी कम कर दी है। एंड जो इसमें जो मास्किंग टेप है पहले से एडहेसिव प्रॉपर्टी काफ़ी कम होती है, क्योंकि ये इसी के लिए बने होते हैं कि पेपर इससे डैमेज ना हो। बट हमारे जब मीडियम सरफेस पेपर होते हैं या फिर जो स्मूथ सरफेस पेपर होते हैं उस पर ये थोड़ा सा कर देता है, टेक्सचर ख़राब ही कर देता है। सो मैंने कभी पहले भी ट्राई किया हुआ है, सो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। सो इसलिए मैं इस पर मास्किंग टेप अभी एक साइड का अप्लाई कर देता हूँ, देन 3 साइड के बाद में मैं आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि मैंने फर्स्ट साइड का भी आपको वीडियो में बता दिया है। सो चलिए मैं नेक्स्ट साइड का बताता हूँ। सो गाइस, तो एज यू कैन सी, तो मैंने ये कर लिया है पूरा, ठीक है। सो मैंने मास्किंग टेप भी लगा दिया है एंड मैंने इसे अभी मैंने जैसा आपको बताया कि मैंने इसे इससे किया, देन फिर मैंने ये जो ये है यहाँ पे मैंने थोड़ा कपड़ा निकाल लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं पहले कपड़ा बिछा था एक ऐसा वाला, ठीक है। सो वो मैंने निकाल के साइड में कर दिया और मैंने टेबल पे लिया है, क्योंकि कपड़े पे पूरा टेक्सचर आ जाता कपड़े का, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे पूरा लगा दिया है, ठीक है। एंड यहाँ पे मैंने 2-3 बार ऐसे चिपका के देखा है ताकि वो अच्छे से स्टिक ना हो ज़्यादा, ठीक है। एकदम थोड़ी सी अधिक प्रॉपर्टी अभी भी बाकी है, इसलिए इसे मैंने थोड़ा सा किया है। एंड जब हम थोड़ा सा ज़्यादा ही जैसे कार्ट्रिज पेपर है, जैसे कि थोड़ा बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी का कार्ट्रिज पेपर है ना, उस पर ये बिल्कुल नहीं होगा। एंड ये पेपर थोड़ा सा डैमेज्ड भी है, इसमें क्रीज व्रीज दिख रही होंगी यहाँ पे आपको। सो मेरे हाथ से गलती से मुड़ गया था, ठीक है। सो अभी हम स्टार्ट करते हैं ग्रिड को एंड यहाँ पे मैं ग्रिड बाय ग्रिड जाऊँगा,
एंड यहाँ पे आपको जैसे मैंने ये पूरी जो ग्रिड है वो एच बी पेंसिल से बना एकदम लाइट। एंड अभी मैं यूज़ करूँगा आउटलाइन के लिए भी एच बी पेंसिल ही यूज़ करूँगा मैं, ठीक है, आउटलाइन की आप कोई भी ब्रांड की ले सकते हो। एंड मैं एक मैकेनिकल पेंसिल यूज़ करूँगा 0.5 की, आप कोई भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है, 0.3 की आपके पास तो और भी अच्छे, मेरे पास नहीं, काफ़ी एक्सपेंसिव है इसलिए, ठीक है। एंड मैं इसका मैंने पूरा मार्क कर लिया बॉर्डर्स। एंड अब मैं मेन आउटलाइन पे आऊँगा, अभी आपका काफ़ी टाइम वेस्ट हो चुका है सिर्फ बॉर्डर्स के लिए, तो मैं आपको सिर्फ सिखा रहा था कि बॉर्डर्स कैसे देना है अगर आप मास्किंग टेप का यूज़ कर रहे हो और आपको पेपर डैमेज नहीं करना है तो। एंड मैंने यहाँ पे बॉर्डर्स वाली इमेज ली है, ठीक है, सो हम इसी से पूरा पोर्ट्रेट ड्रॉ करेंगे। सो आपके लिए एक चैलेंज है, मैंने तो इसे ब्लैक एंड वाइट इसलिए किया है ताकि मैं आउटलाइन कर सकूँ, ये रियल इमेज है मेरे पास कलर में, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए जल्दी से कि मैं आपके लिए क्वेश्चन है कि मैं इसे किस मीडिया से ड्रॉ करूँगा, ग्रेफाइट पेंसिल से या फिर चारकोल पेंसिल से या फिर अपनी कलर पेंसिल से, ठीक है, कमेंट करके बताओ जल्दी से, ठीक है। सो अभी तो मैं एच बी पेंसिल से स्टार्ट करूँगा, मैं अभी आपको बताता हूँ मैं कैसे ड्रॉ करने वाला हूँ, ठीक है। सो अभी मैं थोड़ा कैमरे को जूम कर लेता हूँ, ठीक है, सो इतना ठीक है। सबसे पहले मैं ग्रिड नंबर कितना है, सो ग्रिड नंबर 4 पे है, ठीक है, कुछ दिख रहा है क्या, हाँ दिख रहा है, ठीक है। सो 1 ये मास्किंग टेप का वाला 1 ग्रिड है, 2, 3, 4, ठीक है, फोर्थ ग्रिड से चालू हो रही है हमारी टोपी, ठीक है, फोर्थ से स्टार्ट हो रही है। तो मैं यहाँ पे पहले किस पॉइंट पे वो एकदम ध्यान से हमें देखना है, जैसे कि ये है थोड़ा सा नीचे है थोड़ा सा, ठीक है, सॉरी क्योंकि मैं खड़ा होकर वीडियो बना रहा हूँ इस वक्त, इसलिए मेरी थोड़ी चिन लग रही है कैमरे को, ठीक है। सो यहाँ पे एकदम ऐसा छोटा सा एक कर्व है, ठीक है, तो पहले हम यहाँ पे एक पॉइंट मार्क करेंगे, यानी कि यहाँ पे मार्क करेंगे, देन फिर हम इसे जॉइंट कर देंगे, ठीक है। सो ये हो गया हमारा एक ये वाला ग्रेड, ठीक है, ऐसे ही मैं पूरे फेस की आउटलाइन करूँगा। देन हम आईज नोज एंड लिप्स में थोड़ा सा अलग टेक्निक यूज़ करेंगे, ठीक है, आईज नोज एंड लिप्स में थोड़ी सी अलग टेक्निक यूज़ करेंगे। सो मैं फटाफट से अभी स्टार्ट करता हूँ ग्रेड बनाना, सो आपको वीडियो में शायद दिख जाए, ठीक है, दिख ही रहा है, मैं एच बी पेंसिल से कर रहा हूँ तो दिख रहा है, ठीक है। सो अभी मैं स्टार्ट करता हूँ ग्रिड आउटलाइन को, सो मैंने वो आपको सिर्फ एग्जांपल के लिए बताया था, ठीक है। सो मैं अभी यहाँ पे भी अच्छे से एकदम ऑब्जर्व करके, आपकी ऑब्जर्वेशन पावर, आप भले ये मेथड यूज़ कर रहे हो बट आपकी ऑब्जर्वेशन पावर अच्छी होनी चाहिए। सो आप इसमें ये भी यूज़ कर सकते हो एक डिवाइडर अगर आप, लेकिन इससे आपके ऑब्जर्वेशन पावर पे भी इफेक्ट पड़ सकता है, सो आप इसे ना ही यूज़ करो। बट अगर आईज नोज एंड लिप्स में आपको एकदम एक्यूरेट चाहिए तो आप इसका यूज़ कर सकते हो, मैं भी अगर गलत हो जाता है तो मैं इसका यूज़ कर लेता हूँ। एंड मैं यहाँ पे इरेजर का भी यूज़ करूँगा एक, एंड देन मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा एक नीडेड इरेजर जो कि मैंने एक बॉक्स में रखा है, एक नीविया की डब्बी में, ठीक है। सो ये एक नीडेड इरेजर, इसका भी मैं कहीं कहीं पर यूज़ करूँगा मिटाने के लिए। एंड मैं यहाँ पे मिटाने के लिए अप्सरा का मैकेनो इरेजर भी यूज़ करूँगा, ठीक है। सो अभी यही मैं यूज़ करूँगा, ठीक है। सो अभी मैं ये सभी यूज़ करूँगा, सो अभी मैं बताऊँगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, तो सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रहा हूँ कैप से, एंड मैं काफ़ी ऑब्जर्व करके कर रहा हूँ, ठीक है। सो जो भी हल्के फुल्के जो भी मैं थोड़े से गलत मेजरमेंट्स ले रहा हूँ वो मैं थोड़े से इरेजर से इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। सो आप भी एक इरेजर साथ में रखना ही, ठीक है। मैं काफ़ी वेरिएशन यूज़ कर रहा हूँ इरेजर्स में भी, एंड मैकेनिकल पेंसिल का भी मैं यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि एच बी पेंसिल जो है उससे मैं शार्प हैलेट्स नहीं दे पा रहा, शार्प जो लाइन से वो मैं नहीं क्रिएट कर पा रहा था, एंड थोड़े से डार्क भी नहीं हो रहे थे वो। सो मैं थोड़े से डार्क हल्के से कर रहा हूँ, प्रेशर का अप्लाई बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ, मैं एकदम डबल लाइन्स का यूज़ कर रहा हूँ ऐसा समझ लीजिए, इसलिए आपको थोड़ी डार्क दिख रही है, ठीक है। सो इसलिए सो अभी मैं कैप ही कर रहा हूँ, एंड देन मैं जो फेस की जो आउटलाइन है वही मैं दे रहा हूँ, ठीक है, बॉक्स बाय बॉक्स जा रहा हूँ मैं, ठीक है। एंड मैं फेस की आउटलाइन दूंगा, एंड देन फिर मैं दूंगा बाकी सारी डिटेल्स जो है। सो देखिए वीडियो। Thank you.
गाइस, तो मैंने जो आपको क्लोथ वाला पार्ट है वो मैंने आपको इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि मैं आपको मेन जो बताने वाला था वो फेस का बताने वाला था, क्योंकि मैंने आपको पूरी टेक्निक समझा दी थी। सो अभी इसलिए मैंने आपको नहीं दिखाया पूरा। सो अभी मैं फेस पे आ रहा हूँ एंड मैं अभी कुछ कुछ जगह पे डिवाइडर का भी यूज़ करूँगा। सो मैं आपके फेस पे आ रहा हूँ, आप देख सकते हैं। सो आप भी यूज़ कर सकते हो। मैं थोड़ी सी एक्यूरेसी के लिए डिवाइडर का भी यूज़ करूँगा। सो मैं बस आइडेंटिफाई करूँगा एंड बनाऊँगा, एंड अगर मेरे को कहीं पे प्रॉब्लम लगती है सो मैं डिवाइडर का यूज़ करूँगा, ठीक है। सो एंजॉय द वीडियो गाइस। जो आउटलाइन है वो कंप्लीट हो चुकी है एंड मैं 4 बजे से बैठा हूँ, ठीक है। एंड अभी 8 हो रहे हैं, 8 बज रहे हैं। मैंने बीच बीच में 1-1.5 घंटे का ब्रेक भी लिया था। सो लगभग मुझे 2.5 घंटे या फिर 2 घंटे लगे, 2.5-3 घंटे के आसपास लगे। सो फिर भी अच्छी लग रही है आउटलाइन, जितना स्पेंड किया है टाइम उतना अच्छा भी लग रहा है, ठीक है। सो अभी इसमें हम आगे चल के शेडिंग करेंगे एंड आपके लिए क्वेश्चन है, कमेंट में लिख के बताना कि ये आपको कैसा लगा और मैं किस मीडिया का यूज़ करूँगा इसे कंप्लीट करने में। एंड अभी मैं आपको टाइम भी दिखा देता हूँ, 8:07 हो रहे हैं, ठीक है। 24 आवर क्लॉक है ये, ठीक है। सो अभी 27 हो रहे, मतलब 8:07 हो रहे हैं, ठीक है। सो अभी मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ, भले ही ये वीडियो कुछ मिनट की हुई हो बट मुझे टाइम बहुत लगा है। मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि मैंने ग्रेड तो बस 5-10 मिनट में बना लिया था, फटाफट तो फिर उसे इरेज कर मास्किंग टेप भी लगा दिया था जल्दी से। बट जब मैंने आउटलाइन किया तो उसमें मैंने टाइम स्पेंड किया, ऐसा नहीं कि आप जल्दी जल्दी मैं कुछ भी बना दूँगी, आपको टाइम तो स्पेंड करना ही होगा, ठीक है। सो टाइम स्पेंड कर देना, ठीक है, टाइम स्पेंड करना और भी अच्छा रहेगा, ठीक है। सो मैं मिलता हूँ आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय बाय।